हरियाणा सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए लगातार कृत संकल्प है। अलग अलग योजनाएं चलाकर किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, साथ ही जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है और पारंपरिक खेती को अलविदा कहकर प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश सरकार अनेक तरह के फायदे भी किसानों को देती है। हरियाणा में बागवानी मिशन के तहत किसानों को फूलों की खेती के लिए कई तरह की सुविधाएं और स्कीम का लाभ दिया जाता है। हरियाणा सरकार का ध्यान इस पर ज्यादा है कि किसान फूलों की खेती से जुड़कर अपनी आय को बढ़ाएं। पारंपरिक खेती की तरह इसमें घाटे की आशंका ना के बराबर है। फूलों की खेती नकदी फसलों में आती है, जहां बाजार में फूलों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। देश के कई राज्यों के किसान इस दिशा में काफी अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी कमाई बढ़ा रहे हैं। बागवानी विभाग की मदद से पलवल जिले के प्रगतिशील किसान रणवीर सिंह ने फूलों की खेती कर काफी लाभ कमाया है। हॉर्टिकल्चर विभाग काफी जानकारी देता है, फिर किसान भाई भी दूसरी चीज फसल उगा रहे हैं, उनसे भी एक दूसरे से मिलके, हमने भी तो किसी से जानकारी थोड़ी घनी ली थी, उन्हें हमें पहले ये भी नहीं पता गेंदा का फूल भी बिकता है, अब हमें दिन और रात फूल ही फूल दिखता है। ये काट नीचे से काटते हैं जड़ से, और चार पीस का एक बंडल बनाते हैं, उसमें पॉलिथीन लगाते हैं ऊपर, फूल जो ढका रहे, फूल खराब ना हो, और वो मार्केट में जाके एक बंच बन जाता है, बंच के हिसाब से इसकी सेल होती। देश में खेती किसानों का रकबा बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कृषि से जोड़ने के लिए सरकार काफी प्रयास करती है। इसी तरह से कृषि प्रमुख राज्यों में गिने जाने वाले हरियाणा में सरकार भी किसानों को लगातार खेती के आधुनिक तरीकों से जोड़कर उन्हें लाभ देने का प्रयास कर रही है। इसी की बदौलत आज प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में किसान इस खेती की ओर अग्रसर हैं। हरियाणा के पलवल जिले में रहने वाले किसान रणवीर सिंह ने फूलों की खेती करके अच्छी खासी कमाई की है, उनको काफी लाभ हो रहा है। रणवीर सिंह बताते हैं कि उनके पास खेती के लिए अधिक जमीन नहीं है, वे लीज पर जमीन लेकर खेती करते हैं। वे बताते हैं कि 4-5 एकड़ में वो फूलों की खेती करते हैं। फूल 2 से 3 महीने तक ही खिलते हैं, इसलिए वे अलग अलग फूलों की चेन बनाकर फूलों की खेती करते हैं। किसान रणवीर सिंह ने बताया कि फूलों की खेती करने के लिए बहुत अधिक खासा तैयारी की जरूरत नहीं होती। जिस तरह से सब्जियों की खेती होती है, उसी तरह से फूलों की खेती भी की जाती है। उन्होंने बताया कि फूल उगाने के लिए नेट हाउस या पॉली हाउस की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, खुले खेत में भी आसानी से खेती की जा सकती है। प्रगतिशील किसान रणवीर सिंह की माने तो उन्होंने खुद खुले में खेती करनी शुरू की थी, हालांकि आज उनके पास पॉली हाउस है। मेरे पास 2 एकड़ जमीन है केवल, ज्यादा जो जमीन में करता हूँ 5-7 एकड़ में खेती, वो मैं लीज पे ले लेता हूँ। मैं 4-5 एकड़ में फूल ही करता हूँ, जो फूल खिलता है वो 2-2.5 महीने ही खिलता है, तो एक के बाद एक ऐसी चैन बनाई हुई है। सावधानी तो कोई खास नहीं है, जो हम सब्जी में करते हैं, सब्जी और फूल सेम चीज है, कोई ऐसे अलग से कोई सावधानी नहीं है एक जिसे हम ना कर सकें। और चाहे किसान भाई कोई भी इसे करना चाहे, कोई जरूरी नहीं है पॉली हाउस नेट हाउस लगाना, तो ये ओपन में भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने पहले ओपन से ही शुरू किया था, और पॉली हाउस नेट हाउस के लिए गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी दे दी है, 65% सब्सिडी देती है, तो उसे में भी कोई हम पे फर्क नहीं पड़ता किसान पर। जब गवर्नमेंट इतनी मदद कर रही है तो किसान को कोई ऐसा वो नहीं है, वो शुरुआत ही पॉली हाउस से नेट हाउस से कर सकता है। ड्रिप से ये है कि हम 1 किला को 6 या 7 घंटे में भरते हैं, तो 6-7 घंटे में बहुत पानी खर्च हो जाता है। ड्रिप को 1 घंटा चला दो पूरा खेत भर जाता है, मतलब ये मानो एक उसका 10% भी पानी में ही खेत का काम हो जाता है ड्रिप से। जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, अपनी फैमिली में 10-5 मेंबर हैं, उन्हें नौकरी की जरूरत नहीं होती, अपना पालन पोषण स्वयं कर लेगा। दूसरा ये 5-7 परिवार और पाल लेता है, डेली वेजेस की नराई है गुड़ाई है, तो वे 5-7 परिवार और भी पाल लेता है एक छोटा किसान भी, इससे फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई नहीं है, तो हम और हमारा परिवार पूरा खुश है। खेत में सिंचाई के लिए अगर जल भराव करेंगे तो लगभग 7 से 8 घंटे पानी भरना होगा और बहुत अधिक पानी का दुरुपयोग होगा, इससे बचने के लिए उन्होंने ड्रिप तकनीक से सिंचाई करने की सलाह दी है।
जिससे जल भराव के मुकाबले बहुत कम पानी और समय में खेत की सिंचाई हो जाएगी। पलवल के रहने वाले बुजुर्ग किसान रणवीर सिंह ने करीब 5 एकड़ की जमीन को लीज पर लेकर फूलों की खेती शुरू की। आज वो इन फूलों की खेती से हर साल लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। रणवीर सिंह ने आगे बताया कि उनके घर के युवाओं को भी रोजगार पाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, अब वे खेतों में काम करके अपना घर आसानी से चला सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस फूलों की खेती से उनके गांव में अन्य रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो रहे हैं, साथ ही फूलों की खेती के माध्यम से वो कई लोगों को रोजगार भी देते हैं। रणवीर सिंह अपने खेतों में जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं, इससे खेती में लागत कम तो आती ही है, साथ ही फूलों का विकास भी सही तरीके से होता है। सिंचाई के तौर पर वो ड्रिप तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल करने से पानी की बचत होती है, साथ में फूलों के फसल को नुकसान से भी बचाया जा सकता है, वहीं सिंचाई में भी ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं होगा। हरियाणा में प्रगतिशील किसानों की फेहरिस्त काफी लंबी है। बागवानी क्षेत्र से जुड़कर आय बढ़ाने वाले किसानों में अंबाला के किसान भी शामिल हैं। अच्छे लाभ को देखते हुए प्रदेश के युवा भी खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जिसका श्रेय प्रदेश की सरकार को जाता है, जो किसानों की भलाई के लिए कदम उठा रही है, जिसकी वजह से किसान अब प्राकृतिक खेती को तवज्जो दे रहे हैं। बागवानी विभाग की तरफ से किसानों की खेती में आ रही दिक्कतों का समाधान करने के लिए काफी योजनाओं को अमल में लाया जा रहा है। अंबाला जिले के भानुखेड़ी गांव के रहने वाले किसान सुखदेव सिंह बताते हैं कि वो 5 साल से बागवानी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 1 एकड़ में नेट हाउस लगा रखा है, जिसमें वो खीरे की खेती करते हैं। इससे उनको काफी लाभ मिल रहा है, प्रोडक्शन भी शानदार रहता है। इसके अलावा वो यहाँ पर घिया, तोरी और शिमला मिर्च भी उगाते हैं, जिससे उनको काफी फायदा होता है। किसान सुखदेव सिंह ने बताया कि उन्हें सरकारी योजनाओं का काफी लाभ भी मिलता है। समय समय पर सरकार के अधिकारियों से उन्हें खेती के बेहतरीन तौर तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे उनको अधिक लाभ पाने में मदद मिलती है। मैं 5 साल से बागवानी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने इसमें नेट हाउस लगाया, 1 एकड़ में नेट हाउस लगाया हुआ है। इसमें मैंने ककुम्बर की खेती की है। ककुम्बर में मेरे को बहुत अच्छा लाभ हुआ, इसमें प्रोडक्शन बहुत बढ़िया मिला मेरे को। मैंने इसमें 5-7 लेडीज भी लगाए, उनको भी रोजगार दिया। और मैंने स्टीकिंग पे बाहर लोग घिया, तोरी और ड्रिप पे शिमला मिर्च भी उगाई, जिसमें मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। इसमें मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें बागवानी क्षेत्र की तरफ जुड़े। किसान सुखदेव सिंह ने प्रदेश के दूसरे किसानों से भी बागवानी क्षेत्र से जुड़ने की अपील की है, ताकि बाकी किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सके। उनका कहना है कि इससे न सिर्फ घर का खर्च चल जाता है, बल्कि इसमें उन्होंने 4 से 5 महिलाओं को भी लगाया हुआ है, उनको भी रोजगार मिला हुआ है। हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ जैसे जैसे किसानों को मिल रहा है, वैसे वैसे उनकी आर्थिक स्थिति में भी न सिर्फ सुधार आ रहा है, बल्कि जागरूकता भी आ रही है और तमाम किसान अब प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जो गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देती है, जैसे ड्रिप पे हो गया, नेट हाउस हो गया, स्टिकिंग हो गया, इसमें जिस चीज़ पे सब्सिडी मिलती है उसका हमको लाभ उठाना चाहिए, उठाएं और ज़्यादातर बागवानी की तरफ आएं। मैंने इसमें जैसे ये ककुम्बर लगाया, लाल पीली कैप्सिकम लगाया, इसमें मैंने 6-7 लेडीज़ को रोजगार भी दिया। किसान समझ गए हैं, आय को दोगुना करने के लिए सिर्फ पारंपरिक फसलों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अच्छे मुनाफे के लिए नई तकनीक, नए तौर तरीकों और बागवानी फसलों की तरफ रुख करना होगा। हरियाणा सरकार की तमाम फायदेमंद योजनाएं और जागरूकता कार्यक्रमों से किसान न सिर्फ जागरूक हुए हैं, बल्कि अपना मुनाफा भी बढ़ा रहे हैं। बागवानी फसलों में नुकसान की संभावना कम करने के लिए आधुनिक तकनीकें भी आ गई हैं, जिसका किसान भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। हरियाणा सरकार की तमाम योजनाओं से किसानों की आय बढ़ रही है और किसानों का जीवन स्तर काफी ऊपर उठ चुका है। ऐसे ना जाने कितने प्रगतिशील किसान हैं, जो सरकारी योजनाओं की मदद से अपने जीवन का स्तर बदल कर, यानी आय बढ़ाकर काफी बेहतरीन कर चुके हैं। ये किसान दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, यानी हरियाणा सरकार की तमाम योजनाओं से प्रदेश के किसान अब प्रगति के पथ पर हैं और प्रगतिशील किसानों की सूची में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं।